नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जब से बजट 2020 प्रस्तुत किया गया है उसके पश्चात नई आयकर स्लेब जो आई है, क्योंकि इस बार हमें दो विकल्प दिए गए हैं कि आपको जिस विकल्प में फ़ायदा हो उस विकल्प के अनुसार आप इनकम टैक्स भर सकते हो, यानी कि नया टैक्स स्लैब और पुराना टैक्स स्लैब। नए टैक्स स्लैब में उन लोगों के लिए राहत है जिनकी सालाना इनकम 12 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख से ज़्यादा या 12 लाख से ऊपर है, उनके लिए फ़ायदा है। और पुराना टैक्स स्लैब उनके लिए फ़ायदेमंद है जिनकी इनकम 10 लाख से कम है, और यूँ कह सकते हैं कि जो मीडियम रेंज वाले लोग हैं उन सब के लिए फ़ायदेमंद है। अब दरअसल आयकर गणना प्रपत्र जो हम पहले भरते थे वो भरते थे पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार, लेकिन हाल ही में आयकर विभाग की ओर से एक एक्सेल शीट में या फिर किसी भी तरीके से आप उसे एक्सेल शीट में अगर आयकर गणना प्रपत्र तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। उसके माध्यम से आप आसानी से मात्र 5-10 मिनटों में उसे अपना आयकर प्रपत्र है वो तैयार आसानी से कर सकते हो, और जिससे आप ये अंदाज लगा सकते हो कि आसानी से कि आपको कितना टैक्स पे करना है, कितना आपने टैक्स किया है। इसके साथ साथ इससे पहले एक कैलकुलेटर भी जारी किया गया था आयकर विभाग की ओर से, जिसके माध्यम से आप आसानी से ये तय कर सकते थे कि कौन सा टैक्स स्लैब आपके लिए फायदेमंद है। वो आपको अपनी इनकम डालनी होती थी, इसके साथ साथ डिडक्शन डालनी होती थी, जिससे आप आसानी से ये तय कर जाते थे कि आपका टैक्स स्लैब कौन सा सही रहेगा। तो आज हम बात करेंगे कि जो आयकर गणना प्रपत्र हेतु जो एक्सेल शीट तैयार की गई है आयकर विभाग की ओर से, वो क्या क्या है, कैसे उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में भी और कंप्यूटर में भी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की मेन वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से हम एक्सेल शीट को डाउनलोड करेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम में जाएंगे और गूगल क्रोम में जाते ही हम टाइप करेंगे ITR या फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने पहले से इसको कर रखा है, तो यहाँ पर ये इसकी मेन वेबसाइट आ रही है, ई फिलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा अगर आप सीधा लिखना चाहो तो सीधा लिख सकते हो ITR, और इसको जैसे ही सर्च मारोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और आपके समक्ष ये लिखा हुआ रहा इनकम टैक्स, और इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में आप होम पेज पर आ गए हैं, और होम पेज पर आप पे यहाँ पर जैसे है तो यहाँ पर आप इसको कर दोगे और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको आप अपने फोन फोन में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, कंप्यूटर में लैपटॉप में। और यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, और ये आपको पूछता है कि आपने सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना है। उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, और कंटिन्यू पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपका जो सॉफ्टवेयर है आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेयर आएगा, और यहाँ पर आप ये देखते हैं कि आपकी इनकम अप टू 50 लाख मतलब 50 लाख तक है, तो आप इसको डाउनलोड कर दिए। और इसके अलावा अलग अलग प्रोफेशन में प्रॉफिट है, गेन है, या फिर किसी प्रकार के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। तो अपन एक सैलरीड पर्सन है तो अपने लिए ITR फर्स्ट हमें भरना है, और उसके लिए आपको दो स्थिति में कर सकते हो, यहाँ पर आप जावा में भी कर सकते हो और इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में भी कर सकते हो, जैसा भी आप उचित समझो। इसके अलावा आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दे रखे, यहाँ पर आप आसानी से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और यहाँ पर हमने जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर अपने को फर्स्ट पे करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, और यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया तो ये पहले से ही डाउनलोड हो रखा है, तो हम ये करेंगे रीडाउनलोड। ठीक है, तो और यहाँ पर हम करेंगे ओपन पे, ओपन में WPS फाइल और ITR 2019
उन्नीस बीस के लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है और ये है वो एक्सेल सीट है। और एक्सेल सीट में सबसे पहले इस कॉलम में हमें क्या करना है, इनकम की डिटेल्स देनी है। और दूसरा कॉलम यहाँ पर आता है TDS का, और TDS अगर आपने कोई इनकम टैक्स के अलावा TDS से संबंधित अगर आप जानकारी चाहते हो तो दूसरा वीडियो मेरा उस देख लेना, TDS क्या होता है। और इसके अलावा TCS जो लगता है, उसके अलावा टैक्स पेड वेरिफिकेशन, उसके बाद में HTG और HTCGA, इसके अलावा ये चीज़ें आप आसानी से देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इनकम डिटेल देनी है, फिर TDS की, फिर TCS की, और इसके अलावा अगर कोई हो तो आप आसानी से इसको दे सकते हो। तो ये है आपका इनकम टैक्स के लिए अलग से इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए आयकर गणना प्रपत्र, इसे आसानी से आप भर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।